हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ 11 में सर्च बार ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो इसकी प्रॉब्लम को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, उसके बाद विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करना है, ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है, अदर ट्रबल शूटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है सर्च एंड इंडेक्सिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको रन के ऊपर क्लिक कर देना है डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास यहाँ पर आपका एरर शो हो रहा है तो आप यहाँ पर बॉक्स में जो है चेक कीजिए, इस तरीके से चेक कर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, फिर आप ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। स्टेप नंबर टू, आपको रन कमेंड ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सर्विसेज ओपन हो गया है। फिर आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, फिर आपको यहां पर फाइंड आउट करना है विंडोज सर्च। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं विंडोज सर्च यहां पर शो हो रहा है। आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, स्टॉप द सर्विस, रीस्टार्ट द सर्विस। अगर आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट द सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर आपको सर्विसेज को क्लोज कर देना है। स्टेप नंबर थ्री, फिर आपको रन कमांड ओपन करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है पावर शेल। उसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर शेल ओपन हो गया है। फिर आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है। ओके, तो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पावर शेल को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।